जय माता दी। आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नवरात्र पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम जय मां में। और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने का सबसे सरल तरीका शास्त्रोक्त विधि विधान से क्या हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे आज इस एपिसोड में। माँ का पूजन कैसे करें, माँ को क्या भोग लगाएं और कौन सा वो मंत्र जप है जो आपका जीवन बदलने की शक्ति रखता है, इस सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है वैष्णवाचार्य धर्मेंद्र वत्स जी महाराज। महाराज जी जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि हम माँ चंद्रघंटा की पूजा किस तरह से करें, क्या होगी विधि? जय माता दी। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का है, जैसा कि आपने कहा। चंद्रघंटा जो नाम है माता का, वो उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, घंटे के आकार का अर्धचंद्र अंकित है। माता की आठ भुजाएं हैं, सब भुजाओं में अस्त्र पुष्प आदि अलंकृत हैं और माँ अभय आशीष मुद्रा में विराजमान है। माता चंद्रघंटा की पूजा में, माता चंद्रघंटा की साधना में आपको वाणी की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। वाणी की पवित्रता में किसी को अपशब्द ना बोलें। चंद्रघंटा माता की आराधना के दिन किसी को अपशब्द या असत्य बोलना बहुत बड़ा दोष है। पूजा की विधि, माँ भगवती का सबसे पहले आवाहन, अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर के बड़े भाव से बड़े प्रेम से आवाहन करें। आवाहन करते हुए ध्यान करें माँ भगवती चंद्रघंटा अपने संपूर्ण परिकर के साथ हमारे घर में आके विराजमान हों, हमारे परिवार को आशीष और अभय प्रदान करें। अपनी सभी मनोकामनाओं के साथ माँ चंद्रघंटा का आवाहन करते हुए, ध्यान करते हुए अक्षत पुष्प को उस स्थान पर छोड़ें जहाँ पर माँ भगवती को आप आसन देना चाहते हैं, विराजमान करना चाहते हैं। उसके उपरांत बड़े भाव से अर्घ, पाद, आचमन, स्नान, इन चारों रीतियों को जल के द्वारा संपन्न करें, संपूर्ण करें। चार बार जल के छींटे लगाएं आचमनी से। उसके बाद पंचामृत, दूध दही घी शहद और बूरा से बना हुआ पंचामृत माँ भगवती को अर्पण करें, पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः एक आचमनी से शुद्ध जल से गंगा जल मिला करके माँ भगवती को स्नान कराएं। उसके बाद बड़े भाव से माँ भगवती को वस्त्र मौली के रूप में या किसी वस्त्र के रूप में माँ भगवती को वस्त्र पहना है, कुछ नहीं है तो मौली कलावे से आप पहना सकते हैं। उसके बाद अक्षत और कुमकुम से माँ भगवती का पूजन करें। सबसे पहले कुमकुम से तिलक लगाएं, रोली से तिलक लगाएं, अगर चंदन है तो चंदन भी लगा दें, सिंदूर है तो सिंदूर भी माँ भगवती को अर्पण कर दें। उसके बाद अक्षत चावल लेकर के माँ भगवती को चावल चढ़ा दें। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुमकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र श्लोक के द्वारा माँ भगवती को अक्षत अर्पण कर दें। पुनः पुष्प चढ़ाएं माँ भगवती को, अगर माला है आपके पास तो माल्यार्पण कर दें माँ भगवती का, उसके लिए वैदिक मंत्र है, इसको बोल के या सुन के आप माला माँ भगवती को पहना सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। हरि ओम माँ औषधि प्रतिमो दधुवम पुखपवती प्रशुबरी अश्वा इव सजिद्वरेर्वीरुधा पारयिष्णव। इस मंत्र के, वैदिक मंत्र के द्वारा आप माँ भगवती को पुष्प या पुष्पहार माला अर्पण कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो गई है ये पूरा विधि की सामग्रियाँ भी आपने बता दी हमें क्या क्या लेनी होंगी। अब भोग की अगर मैं बात करूँ, माँ चंद्रघंटा को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या पसंद है, क्या भोग लगाए उन्हें? माँ भगवती को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या दूध से बनी हुई खीर, गाय के दूध से बनी हुई खीर, गाय के दूध से बनी हुई मिठाइयाँ माँ भगवती को आप अर्पण कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध की मिठाइयाँ या दूध से बनी हुई खीर आदि अति प्रिय है। माँ भगवती इसको ग्रहण करके
अपने भक्त को साधक को आशीष प्रदान करती हैं। उसके साथ मिठाई के साथ फल और तांबूल पान इसका भोग जरूर लगाना है। जो भी आपने दूध के द्वारा मिठाई माँ भगवती को अर्पण करी है उसके साथ फल का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मिठाई अकेली आप भोग लगाएंगे, तांबूल नैवेद्य के साथ फल और फल के साथ तांबूल, तांबूल अर्थात पान का बीड़ा आप स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं पान का, लौंग इलायची सुपारी लगा करके, और वही माँ को भोग में अर्पित करें, धूप और दीपक दिखाएं, दक्षिणा प्रदान करें, ये पूजा का पूरा क्रम और विधान रहेगा। अच्छा, आमतौर पर मैंने कुछ घरों में देखा है कि इन दिनों में ना दुर्गा सप्तशती का पाठ कंटिन्यू रहता है, मतलब 9 दिन लगातार। कुछ लोग तो पूरी पूरी पुस्तक जो है पूरा, जैसे ब्राह्मण देवता को बुलवा कर पाठ कराते हैं। जिनके पास वक्त नहीं है जैसे हम जैसे लोग हैं, हम क्या करें, हम तो दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ ही नहीं सकते, तो कौन से वो विशेष हैं मंत्र जिन पे हमें ध्यान देना होगा या पाठ? देखिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये दुर्गा सप्तशती में भी मिल जाता है, लेकिन अब बात ये है मुख्य रूप से कि शुद्ध उच्चारण, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो है दुर्गा पाठ फलम लभेत, केवल सिद्ध कुंजिका के पाठ मात्र से दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रतिफल प्राप्त हो जाता है, ये सिद्ध कुंजिका में ही लिखा है। तो इसलिए सिद्ध कुंजिका का पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें विशेष रूप से मैं फिर वही कहूंगा शुद्धिकरण का, अब उच्चारण का। अब आपने उच्चारण की बात की ना, तो वो जो है ना अम कम ये इसको हम ग पढ़े या कैसे पढ़े, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, जब आप पूरा पाठ करेंगे तो उसमें कई जगह है ये अंग कंग चंटन तम पम यम सम बिम दुम एम बिम हम क्षम ध्याग्रम ध्याग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, ये उसकी लाइन है। तो मैंने वही कहा आपको कि शुद्धिकरण तब होगा जब आप किसी से सीखेंगे। आपने अगर नहीं सीखा है तो आप बिल्कुल गलती मत करिए इसको पाठ करने की। आप कोई प्रोग्राम देखते वक्त ही खुद को सुधार करना चाहे? बिल्कुल, देखिए सिद्ध कुंजिका का पाठ जो है वो माँ भगवती का साक्षात स्वरूप है, वो पुस्तक और पाठ नहीं है, साक्षात भगवती विराजमान है सिद्ध कुंजिका में। और ये सिद्ध कुंजिका तंत्र मंत्र यंत्र स्वतंत्र सब चीजों को प्रदान करने वाला है, इसलिए शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसमें नियम सबसे पहला ये है कि बिना किसी योग्य व्यक्ति के, बिना किसी गुरु के या बिना किसी शिक्षक के इसको बिना पढ़े तो पाठ करना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा ये है वेद पुराण या उनसे संबंधित शास्त्र पुराणों का स्वाध्याय गुरु के मुख से एक बार सुनना ही चाहिए, उसके बाद पाठ करने का नियम है। मान लीजिए कोई त्रुटि है तो गुरु उसका सुधार करेंगे और आपको दोष नहीं लगेगा। बिना किसी के पढ़ाए या बिना किसी की जानकारी के अगर पाठ करते हैं तो आपको दोष लग सकता है, क्योंकि आपके संस्कृत में उच्चारण में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है। चलिए अब हम बात कर लें हवन की। तो हवन करते समय सामग्री तो आपने बता ही दी थी कि हवन सामग्री क्या रहेगी हमारे फर्स्ट एपिसोड में, जो लोग नहीं जानते वो हमारा फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। अब हवन की विधि क्या होगी और तीसरे दिन किन मंत्रों का उच्चारण करें? हवन में जैसा कि पहले भी ये चर्चा हमारी हो चुकी है पहले एपिसोड में, लेकिन हवन की जो सामग्री है वो शुद्धिकरण में उसका ध्यान रखना, शुद्ध सामग्री बनानी है। सामग्री बना करके पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख होकर के बैठ के माँ चंद्रघंटा को ये आहुति ये हविष्य प्रदान करें। बीज मंत्र सबसे सिद्ध सबसे शक्तिशाली सबसे प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथों का बहुत महत्वकारी मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, मंत्र का शुद्धिकरण जरूर रखें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र के द्वारा आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। घर की सुख शांति समृद्धि सभी बाधाओं को दूर करके धन धान्य की प्राप्ति माँ भगवती चंद्रघंटा कराएं, उसके लिए ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, या सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी
एवमेव त्वया कार्य मश्मद्वैरिविनाशनम्। ये दो श्लोक हैं, इनके द्वारा भी आप माँ भगवती को हविष्य यज्ञ की आहुति प्रदान कर सकते हैं। बीज मंत्र के साथ, बीज मंत्र के साथ भी या अलग भी कर सकते हैं, बीज मंत्र की अकेले की भी कर सकते हैं। कोई अगर हम ये बोले कि जो आपने लास्ट में दो मंत्र बताए हैं इनका वो लोग जाप भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। लेकिन जपनीय जो मंत्र होता है वो होता है बीज मंत्र ज्यादा। तो ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं अधिक से अधिक, जो शुद्ध बोल सकते हैं, जो शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, वो मन मन में उसका जाप कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो जपने की जो विधि है, अब हमारा क्या हुआ, घर में माला रखी हुई है जिसपे सब लोग जप कर रहे हैं, हम लोग भी उठा के उसी पे जप कर लेते हैं, तो ये जप करने की थोड़ा सा विधि क्या हो सकती है? ये जो है ये शास्त्र में नहीं है, ये शास्त्र इसके लिए आदेश नहीं करते कि एक ही माला से पूरा परिवार जाप कर लेता है। ये तो वो बात हो गई कि एक ही थाली में पूरा परिवार भोजन कर लेता है, तो ये शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र इसके लिए आज्ञा नहीं करते। अपनी जपनीय माला, कुछ लोग पहनते हैं उसी से जाप करने लग जाते हैं, वो भी गलत है। जपनीय माला को गौमुखी में वो छुपा के, आपने देखा होगा ना, जैसे हम अपने घर का खजाना, घर की कीमती वस्तुएं तिजोरी में बंद करके रखते हैं ना, ऐसी वो माला है, वो संसार का सबसे बड़ा धन है माला। तो माला को छुपा करके रखिए, किसी को ये दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है, तो उसको अंदर रख करके गौमुखी से माला करें। इस उंगली का प्रयोग बिल्कुल स्पर्श भी न करें माला से, इस उंगली को दूर रखें, इन उंगली और ये अंगूठे के द्वारा मंत्र का जाप करें, और शुद्धिकरण ये रखें कि आसन पर बैठकर ही जाप करें, आसन पर बैठकर करें, आचमन कर लें, अपना आसन पवित्र कर लें गंगा जी छिड़क के, उसके बाद प्रेम से जाप करें। जाप करते समय मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता, मंत्र को गोपनीय रखा जाता है अंदर, स्वयं को भी अपनी आवाज ना आए, ये जाप का नियम है। चलिए, नियम क्या होने चाहिए, क्या विधि विधान होनी चाहिए, आपको बता दिया गया है। और देखिए, ये जो दिन है ना, इन दिनों में आप लोग भी फील करते होंगे, चाहे व्रत रखें या ना रखें, एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही एनर्जी से रहती है। मतलब लगता है ना कि हम 24 घंटे चार्ज रहते हैं, लगता है कि साक्षात माँ भगवती की कृपा खूब खूब मतलब मिल रही होती है, बरस रही होती है। आप प्राप्त कर सकते हैं विधि विधान, पूजा का पूरी पद्धति हमने आपको बता दी है। लगातार एपिसोड जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में देंगे आपको और भी जानकारियां। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। जय जय माता।